नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन में हमने एक से सात तक का क्वेश्चन डिस्कस किया था आठवा क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू पेट्रोल विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओडी स्टेटमेंट टू गलत है देखिए पेट्रोल

ये जो पेट्रोट को ऐसे ट्रेडिशनल फूड रेसिपी सेलेक्ट किया है इसलिए न्यूज में आया था अब ये पेट्रोट के बारे में देखते हैं इट इज अ डेलिकेसी मेड ऑफ कोडोकेशल लीफ कोशियर लीफ से बनता है ट्रेडिशनल रेसिपीज हाईली पॉपुलर इन साउथ ऑफ इंडिया एंड कैन एदर बी सेवड एज फ्राइड रोल्स विथ चटनीज और इन द फॉर्म ऑफ ए करी एक करी के रूप में भी या फ्राइड रोल्स के रूप में भी सर्व किया जाता है साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है पर नॉर्थ इंडिया में भी है बिहार जैसे स्टेट्स में भी मिलता है ये अलग बात है कड़ोकेशी से जेनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द फैमिली आरैक् दे आर एटी टू साउथ ईस्टर एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टीनेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कलोकेशन यूज में आया तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए ये साउथ ईस्टर्न एशिया एंड इंडियन सबकॉन्टेन्ेंट में ज्यादा दिखता है इसको एलिफेंट ईयर प्लांट्स भी बोलता है कहीं कहीं इसका काफ़ी न्यूट्रियन मतलब इसकी जो पिकुलरिटीज है ये काफ़ी न्यूट्रियन रिच है रिच इन आयन विच हेल्प इन इंप्रूविंग द हीमोग्लोबिन लेवल इन ह्यूमन बॉडी अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट किया हो तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा रहता है आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट वगैरह तो हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूव करने के लिए कोलोकेशन लीफ बहुत अच्छा है अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन वैल्यू कोलोकेशन लीव्स आर ऑलसो यूज फॉर आर्ट परपसेज ठीक है डेकोरेशन परपसेज के लिए भी ये यूज़ करते हैं आप देखिए स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है इट इज़ ए डेलीकेसी मेड ऑफ कोलोकेशन लीव हाईली पॉपुलर इन साउथ इंडिया ठीक है साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है वेरी करेक्ट इट वॉज रिसेंटली ग्रांडेड जी ए टैग फ्रॉम स्टेट ऑफ केरला गलत वैसे जी ए टैक वाला भी इंपॉर्टेंट है पर कोलोकेशन लिव से रिलेटेड कोई जीए टैग वाला न्यूज़ नहीं आया है

इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये क्या है देखिए आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में सुना होगा जी सेक्स जिसको बोलते हैं ये किस लिए यूज करते हैं गवर्नमेंट को जो पैसे की जरूरत होता है वो मार्केट से बोरो करते हैं मार्केट से मतलब हम ही लोगों से लेते हैं हम लोगों से कैसे लेंगे जी सेक्स इश्यू करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बेसिकली एक पेपर होता है ये एक बॉन्ड भी बोलते हैं कभी कभी इसको बॉन्ड ठीक है मतलब हजार दस हजार एक लाख ऐसे डिनोमिनेशन में ये निकालते हैं हम खरीद सकते हैं हम खरीद के अपने पास रख लो अगर आपके पास एक लाख रुपया है आप दस हजार का दस फोन खरीद लो और अपने पास रख लो आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगा तो उसे क्या होगा गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएंगे पर टर्म डपोस्ट है बेसिकली मैच्यूरिटी होने के बाद जिससे पैसे लिया उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा पर देखिए दोस्तों जी सेक्स मैं तो बोलूंगा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है 100% परसेंट है क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है इसकी जो गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ठीक है ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर स्टेट्स को इस तरह मार्केट बोरोइंग करना है लोगों से पैसे उठाना है कुछ भी काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ के लिए कोई डेवलपमेंट पर्पज के लिए तब ये लोग यूज करते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन ये बेसिकली जी से आप रिलेट कर सकते हो ठीक है पर स्टेट्स के लिए स्टेट्स फॉर मीटिंग होगा इसलिए बोल रहा है ठीक है इन एफेक्ट एसडीएल टू दिक्यूरिटीज इशूड बेट्रल गमेंट पर्पज ऑफ इश्यूंग स्टेट डेवलपमेंट लोन इज टू मीट द बजट ऑफ स्टेट गवर्मेंट्स ईच स्टेट कैन बोरो अप टू ए सेवलपमेंट लोन्स ठीक है तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं उसके सेम स्टेट्स जो इशू करते हैं इसको स्टेट डेवलपमेंट लोन बोलते हैं स्टेट्स कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रस्टेबल्स इशू नहीं करते हैं ठीक है वन रिमार्केबल फीचर ऑफ एस डी एल इज दैट इज अ मार्केट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टेट्स टू ट्रू मोब्स वगैरह वगैरह लिखा है पढ़ लीजिएगा पर एस डी एल क्या है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए आप देखिए स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आर स्टेटेड सिक्योरिटीज इश्यूड द सेंट्रल गवर्नमेंट गलत सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट ही इश्यू करते हैं इट इज़ ए मार्केट ओरिएटेड इंस्ट्रूमेंट टू मोबिलाइज फ्रम द ओपन मार्केट बेसिक डेफिनेशन वेरी करेक्ट एस डी एल्स आर बेसिकली सिक्योरिटीज एंड दे आर ऑप्शन वे द आर बी ए थ्रू द ई थनिका ई थनिका करके कुछ है ही नहीं दोस्तों एस डी एल वो ऑप्शन करते हैं कुबेरा के थ्रू ठीक है ई e कुबेरा ध्यान दीजिएगा कुबेरा एक ऑप्शनिंग साइट है ई कुबेरा के थ्रू एस डी एल इशू करते हैं ठीक हैोजन गैस विच कैन इंस्टेंटली इनफ्लेट एन एयर बैक अबाउट विच सब्सटेंसमेंट रिफर्स टू वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नो देंसर इज ऑप्शन ए सोडियम अजेड देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एक गाइडलाइन आया था अब जितने भी कार्स होंगे उसमें एयरबैग मैंडेटरी होगा ठीक है ये न्यूज न्यूज आया आया था इसलिए में तो का जो बेसिक आइडिया है आपको होना चाहिए कैसे काम करते हैं देखिए दोस्तों आंसर वुड बी फाउंड इन फैसिनेटिंग केमिकल कोल सोडियम अजेड इसका केमिकल फॉर्मूला है एन ए एन थ्री वेन दिस सब्सटेंस इज एक्टेड बाई स्पार्क इट रिलीज नाइट गैस देखिए जो एयर बैग रहता है वो बहुत जल्दी इन्फ्लेट होता है मतलब जब कोई एक्सीडेंट होता है मतलब कार की जो सामने वाला पोर्शन है मान लो ये कार है कार के जो सामने वाला पोर्शन में कोई इम्पैक्ट होता है कोई सडनली आके ठोकता है तो जो स्टीयरिंग के पीछे जो एयरबैग रहता है ये इन्फ्लेट होता है तो हमें स्टीयरिंग में जाके ठोकने से बचाता है ये अब देखिए जितने स्पीड से हमारी जो चेस्ट है या फेस है वो स्टीयरिंग में जाके ठोकते हैं उसी के अंदर ये जो नाइट्रोजन बैग है या एयर बैग है ये इन्फ्लेट हो जाता है उतनी स्पीड से इसका इन्फ्लेशन होता है अब ये इन्फ्लेशन कैसे होता है एक सब्सेंट से एक कॉम्पाउंड है सोडियम आजाइड इसके अंदर स्पार्क करता है स्पार्क करने से क्या होगा ये सडनली नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हैं अब ये सडनली मतलब बहुत ही सडनली है ठीक है बहुत फास्ट ये भरता है आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा द प्रॉब्लम हावर इज दट द रिएक्शन ऑल्सो फॉर्म सोडियम मेटल विच रिएक्ट्स विद मोस्चर टू जनरेट सोडियम हाइड्रोक्से क्रोसिव सब्सेंट देखिए इसका एक डिसडवान्टेज यह है ये जो प्रोसेस होता है इसमें एक सोडियम का भी रिलीज होता है जो क्रोसिवे बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्सेड इसका जनरेशन होता है ये क्रोसिवे अलग बातें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको ये मालूम होना चाहिए एयरबैग के अंदर नाइट्रोजन यूज होता है और ये नाइट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है सोडियम एजेड के अंदर स्पार्किंग करके इग्नेशियन दे के ठीक है तो ये सोडियम एजेड ध्यान दीजिएगा तो आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम अजेट क्वेश्चन नंबर 11 बोस्फर स्ट्रेट इज ए नेचुरल स्ट्रेट कनेक्टिंग ब्लैक सी विथ विच ऑफ दी फॉलोइंग सीज वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना द आंसर इज ऑप्शन बी सी ऑफ मरमरा देखिए सी ऑफ मरमरा काफी न्यूज में आया था क्यों आया था सी स्नोट के कारण अब सी स्नोट क्या है इसकी इंपैक्ट क्या है मरेन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर ये सब जानने के लिए आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सी स्नोट सर्च कीजिए आपको एक अलग सा वीडियो मिल जाएगा जिसमें हर्षित शाह ने बहुत अच्छी तरह समझा रखा है मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों यही समझ लीजिए सी स्नोट एक अलगे फॉर्मेश् बोर्ड से तो जो सी के ऊपर ब्राउनिश एश कलर का एक फॉर्मेशन होता है जिससे मरेन ऑर्गेनिज्म को सनलाइट नहीं मिल पाते हैं ऑक्सीजन कंटेंट खत्म हो जाता है ठीक है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स है उसका ये उस वीडियो में जाके देख लीजिए आप पर इसमें जोग्राफिकल देखिए क्या लिखा of and अब ये, जो है कौन कौन सा सीज को कनेक्ट करते हैं यह भी आप देख लीजिएगा सी ऑफ बॉसपरस जो है यह सी ऑफ मारमरा एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करते हैं सो यर इज ऑप्शन बी सी ऑफ मरमरा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विथ रेफरेंस टू द इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विचार इन करेक्ट इन लिखा है ध्यान दीजिएगा वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इस ऑप्शन डी वन टू वन थ्री तीनों स्टेटमेंट गलत है देखिए इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल ये न्यूज में इसलिए आया था रिसेंटली अग्नि प्राइम करके एक मिसाइल जो अग्नि सीरीज का ही है ये डीआरडीओ आर डी ओ ने टेयर किया था ओडिशा में तो इसके रिगार्डिंग हर्षद्विविवेदी डॉट कॉम में हमने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा है काफी होलिस्टिकली कवर किया और जाके देख लीजिए आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है इट इज़ ए गेडेड बैलिस्टिक मिसाइल विथ ए मिनिमम रेंज ऑफ़ 5,500 थाउजेंड किलोमीटर्स तो मिनिमम रेंज तो है 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा जो गेडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है इंटर कॉन्टिनेंटल नाम ही वैसे आया कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट तक पहुँच जाएगा या ठीक है ये प्राइमरी न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं सिमिलरली कन्वेंशनल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन कैन ऑल्सो भी डिलीवर्ड अभी तक ये यूज नहीं किया है न्यूक्लियर वेपन तो यूज कर ही सकता है अगर चाहे तो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन भी यूज कर सकता है यह बोला जा रहा है ठीक है मोस्ट मॉडर्न डिजाइन सपोर्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स अलाउविंग ए सिंगल मिसाइल टू कैरी सेवरल हार्ग इच ऑफ न स्ट्राइक ए डिफरेंट टारगेट मैक्सिम इंटरकॉन्टिनेंटल में सारे में नहीं मेजोरिटी में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वहीकल्स यूज करते हैं जो मतलब एक ही मिसाइल में कई सारे वारहर्ट्स होगा जो कई सारे एरियाज को अटैक कर सकते हैं ठीक है और भी कुछ लिखा है पढ़ लीजिएगा आप हमारा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं देर इज नो मिनिमम रेंज क्राइटेरिया फॉर दी एम गलत मिनिमम रेंज तो है फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर से ज्यादा ही होगा वही

कम है इसका रेंज आईसीबीएम का 5500 से ज्यादा है आप देख ही सकते हो जिसका जो रेंज इधर लिखा हुआ है तो सारे आईसीबीएम नहीं है ओनली एक्नी फाइव एन एक्नी सिक्स जो अंडर डेवलपमेंट है यही दो आईसीबीएम है बाकी सारे कुछ आई है कुछ एमआरबीएम है सो so, और आंसर इज ऑप्शन डी वन टू वन थ्री तीनों स्टेटमेंट गलत क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू सी ब्रिज ड्रिल्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट टू गलत है देखिए सी ब्रिज ड्रिल्स क्या होता है सबसे पहले देखते न्यूज में क्यों आया था यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च जॉइन नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज इन द ब्लैक सी इन ए शो ऑफ वेस्टर्न कोऑपरेशन विद यूक्रेन एस इट फेजेज ऑफ विद रशिया रशिया एंड यूक्रेन के बारे में बीच में जो प्रॉब्लम है पता ही है यूक्रेन के पास जो क्रीमिया पिनसुला था यह रशिया ने अने, अने, अनेक्स किया था तो तब से लेके रशिया एंड यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम है और जितने भी कंट्रीज है उस एरिया में ये सारे खुश नहीं है रशिया के एक्शन से ये काफ़ी पुराना न्यूज़ है अब देखिए रिसेंटली ब्रिटिश रॉयल नेवी का एच एम एस एच एम एस मतलब होता है हेर मजस्टी शिप जैसे हमारे देश में इंडिया में आई एन एस बोलते हैं इंडियन नेवल शिप इन लोग एच एम एस बोलते हैं हेर मजस्टी शिप डिफेंडर नाम के एक ब्रिटिश रॉयल नेवी का शिप ने क्या किया ये रशियन एनेक्स क्रीमिया के पास जो ब्लैक सी है बेसिकली रशिया के सतेंड एरिया में क्रीमिया आता है क्रीमिया जो है ब्लैक सी में आता है ब्लैक सी में क्रीमिया के पास ये घूम रहा था तो रशिया को पसंद नहीं आया तो रशिया ने बोला इस तरह नहीं घूमना चाहिए पर ब्रिटेन क्या है ये एक क्रीमिया को ऐसे रशियन पार्ट कभी मानते नहीं है, ये बड़ी है मैं इधर ज्यादा बोल नहीं रहा हूं अबाउटी 1997 इन्वॉल्विंग नेटो स्टेट्स एंड इनके बीच में होता है जितने कंट्रीज हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है इट टेकन 21 इजीन नाइनटी सेवन दिस एडिशन ये जो अभी होने वाला एडिशन है सी ब्रीज का ये सबसे लार्जेस्ट होगा जिसमें 5000 थाउजेंड मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम मोर देन थर्टी कंट्रीज इन्वॉल्व है आप देखिए दोस्तों ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो बेसिकली नाटो कंट्रीज जो है ना ये यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया को एक वार्निंग दे रहा है ठीक है तो इसलिए अभी जो एच एम एस डिफेंडर जो क्रीमिया पिंसिला के पास घूम रहे थे रशिया का तो पसंद नहीं आया रशिया ने ये बोला अभी इंटरनेशनली ये उन्होंने ये बोला कि हमें ये पसंद नहीं आया इस तरह आपको नहीं आना चाहिए तो ऐसे बोलते हैं ना रिटेलिएशन ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है रशिया को एक वार्निंग देने का ये सब मिलके ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सी ब्रिज जल इधर इंपॉर्टेंट हो गया तो स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है इटाज मीन हेल्थ इज नाइटी नाइनटी सेवन इन्विंग नेट ऑफ स्टेट्स एंड इन द ब्लैक सी रीजन वेरी करेक्ट रशिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द रिंड सिंस टू बिल्कुल गलत है रेशिया के अगेंस्ट तो चल रहे हैं सब एंड एडिशन सही ऑप्शन सी वन एंड थ्री क्वेश्चन हाइड्रो पावर प्लांट द प्लांट बिलोंग्स टू वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा देखिए काफी न्यूज में आया था चाइना ने एक बेहतन हाइड्रो पावर प्लांट शुरू किया है बेसिकली कमीशन हो गया है इट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन द जिनशा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इन साउथ वेस्ट चाइना साउथ वेस्ट चाइना में है इट इज अ वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट पावर स्टेशन आफ्टर थ्री डैम अपॉन कंप्लीशन थ्री गोजस डैम के बाद सबसे बड़ा पावर स्टेशन है बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है मासिक प्रोजेक्ट एक्सटेंस ऑफ द निकनान काउंटी इन द सिचुआन प्रोविंस एंड द दियोजिया कंट्री इन द प्रोविंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्री गोर्जस डैम जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट इसके बारे में देखते हैं यह 22.5 टू पॉइंट फाइव जगहवाट का पावर देता है यह 16 जगह है बेहतर ये ट्वेंटी जिगावाट है थ्री गोजेस डैम लोकेटेड ऑन द चाइना लॉन्गेस्ट रिवर यांगजे अप्रोक्सिमेटली फोर्टी फोर किलोमीटर फ्रॉम सिटी ऑफ इन यूबी प्रोविंस ठीक है तो ये सब ध्यान दीजिएगा चाइना का जो रिवर है यांगजे रिवर के बारे में यांगजे रिवर में बनाया है थ्री गोजेस डैम ठीक है ये कमीशन हुआ था जुलाई दो हजार बारह में सॉरी सॉरी फर्स्ट पावर जुलाई टू थाउजेंड थ्री में जनरेट किया था एक्चीव इट्स फुल ऑपरेटिंग कैपेसिटी आफ्टर द लास्ट ऑफ इट्स 32 टू टब जनरेटर्स वेर कमीशन जो टू थाउजेंड ट्वेल्ल तो वैसे 2003 में पावर जनरेशन शुरू किया था फिर 2012 में फुल फ्लच पावर जनरेट करना शुरू किया ठीक तो है तो थ्री गोजर्स डाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेहतर हाइड्रो पावर प्लांट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रीजेंटली न्यूज में आया था तो आंसर ऑप्शन ये चाइना क्वेश्चन नंबर 15 एंड फिफ्टीन फाइनल क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली स्टेटमेंट थ्री गलत है देखिए अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया न्यूज में आया था क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल है के के वेणुगोपाल इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है गवर्नमेंट तो ये चाहता था इनको तीन साल के लिए फिर से अपॉइंट करें पर के के वेणुगोपाल साहब ने ये बोला मैं एक साल के लिए रह पाऊंगा क्योंकि मैं, मेरा एज जो है ज़्यादा हो गया मुझे रिस्क लेना है वैसे के के वेणुगोपाल साहब का एज है एटी नाइन इससे आपको ये पता चल गया होगा अट, 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 अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई एज लिमिट नहीं है देखिए वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है पर इसका जो अपॉइंटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये मैक्सिमम पोलिटिसाइज होता है ठीक है ट्रेडिशली ऐसे ही होता है गवर्नमेंट जिसको चाहते हैं उन्हीं को अपॉइंट करते हैं वो अलग बात है संविधान में क्या लिखा है देखिए आर्टिकल 76 सिक्स डील्स विद ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा है ये सही है पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं देखिए दोस्तों कौन अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है जिनके पास एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने का क्वालिफिकेशन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है ये बेसिक क्वालिफिकेशन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए इधर लिखा है पढ़ लीजिएगा अब देखिए हमारा स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है आर्टिकल 76 सिक्स डील्स विद ऑफिस ऑफ अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेरी करेक्ट देखिए इंडियन पोलिटी किताब तो आपने पढ़ा ही होगा हर्षिस्ता ने पूरा चैप्टर्स ख़त्म करके रखा है देख लीजिएगा आर्टिकल 76 वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स न्यूज़ में रेलिवेंट है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डिटेली ठीक है दोस्तों आर्टिकल सेवेंटी में अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वेरी करेक्ट देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकता है पर वो वोट नहीं कर सकता वोट वही कर सकता है जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया हॉल ऑफिस टिल अटेंड एज ऑफ सिक्सटी फाइव इस गलत के के वेणुगोपाल साहब का एग्जाम्पल ले लो एटी नाइन का है तो दिस इज रेलवे इन सो आंसर इज ऑप्शन ये वन एन टू तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों की वैलेबल सजेशन एंड कमेंट्स जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा लेक्चर की पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय हैव है नाइस डे